नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस दुनिया से मुलायम सिंह यादव चले गए। सफाई से एक वैसा नेता चला गया जिसका सफाई के लोगों को जिंदगी भर इंतजार था, लेकिन उनके अंतिम संस्कार का जो शानदार सफर रहा उसमें बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें आई, बहुत सारे दिग्गज शामिल हुए, लेकिन एक ऐसे शख्स शामिल हुए जो सिर्फ और सिर्फ उनकी अंतिम आखिरी बार उनका चेहरा देखना चाहते थे। और जब देख पड़े तो रो पड़े, जब जैसे ही देखा उन्होंने तो वो बेहोश हो गए, वो घबरा गए, तिलमिला गए, बॉडी उनका कांपने लगा। वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार से विधायक रहे, सांसद रहे, आजम खान की बात कर रहा हूं। दर्शकों, आप और हम बाखूबी तरीके से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस वक्त दुख भरे दिन से गुजर रहा है। मुलायम सिंह यादव का परिवार दुख भरे दिनों से गुजर रहा है। कल अंतिम संस्कार के बाद जो तस्वीरें आई वो हम सबको जो है हैरान करने वाले थे, हम सबको दुख करने वाले थे, क्योंकि सबका रो रोकर बुरा हाल है। वाकई जिस तरीके से नेताजी गए उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके परिवार में उनकी बहुत जरूरत थी। इस बीच में आजम खान की जो तस्वीरें आई हम सबको जो बेचैन करके चले गए। जिस तरीके से नेताजी कहकर वो रोने लगे, जिस तरीके से नेताजी कहकर वो बिलखने लगे, वाकई आजम खान को देखकर भी लोग घबरा गए, आजम खान को भी लोग देखकर जो है रो पड़े, क्योंकि अंतिम संस्कार के वक्त आजम खान की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो सबके रूह को छू रही हैं। आजम खान दरअसल वो भी उनकी भी तबीयत खराब चल रही है। आजम खान कई दिनों से, कई बार से हम और आप जानते हैं कि किस तरीके से वो जेल में रहे हैं। 27 महीनों के बाद आने के बाद वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे। उनको पता था कि उनका जो है नाता कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से है, लेकिन इसके बावजूद हमारा आपने देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या कुछ हुआ। देखना होगा कि आजम खान क्या कुछ करते हैं और आजम खान का आगे क्या रोल रहेगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, स्पेन 9 न्यूज़।